हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पकौड़ा कढ़ी बनाएंगे जो बहुत ही यम्मी लगती है। आप इसे कभी भी बना के ट्राई कर सकते हो। चावल के साथ में तो बहुत अच्छी लगती है। आप देख सकते हो कितने खिले खिले पकौड़े बने हैं। पकौड़े कढ़ी तो सभी बनाते हैं, पर एक बार अगर आप ऐसे पकौड़ा कढ़ी बनाते हो तो आपको बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और टाइम भी नहीं लगता। बहुत ही मोस्टली लगता है ना कि कौन टाइम लगेगा कैसे बनाए पकौड़ा कढ़ी। तो आप ये वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम छाछ लिया हुआ है। आप चाहे तो दही से भी बना सकते हो। और इसमें 4 स्पून हमको बेसन डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3-4 स्पून बेसन डाल देंगे भर के। अभी हमें क्या करना है, इनको अच्छे से डालने के बाद में थोड़ा सा इसका बैटर को अच्छे से घोल लेना है। अभी हम एक किसी स्पून की हेल्प से इसको बैटर को तैयार करेंगे। तो इसमें पहले हम पानी नहीं डालेंगे, अभी हमें इसी में अच्छे से मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तभी हम इसमें पानी डालेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी गाढ़ी है। तो इसमें हमें पतला बनाना है, कि आप जितना कढ़ी को आप पतला बनाते हो उतनी आपकी कढ़ी एकदम निखर के आएगी। आपकी कढ़ी में टेस्ट आएगा, आपकी कढ़ी बहुत अच्छी लगेगी और कहीं से भी नहीं फटेगी अगर आप इस वीडियो में अगर बनाते हो तो। इस वीडियो को देख के तो आप देख सकते हो यहाँ पे बस इसको अच्छे से खोल लूँगी मैं। अभी हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा ही पानी डालेंगे, बाद में डालेंगे हम पानी। अभी हम चलते हैं कुकर में। तो कुकर की आज मैं कुकर में कढ़ी बनाऊंगी। आप चाहे तो कढ़ाई में या पतीले में भी बना सकते हैं। इसमें 2 ग्लास हमको पानी ले लेना है। मैंने आपको जैसा बताया था कि कढ़ी जितनी पतली होगी उतनी अच्छी बन के आएगी। तो बस यहाँ पे मैं पानी डालने को इसको अच्छे से बॉयल करने रखूँगी। ध्यान रखिएगा, आपको जब तक उबाल नहीं आ जाता है आपको इसको छोड़ना नहीं, आपको कंटिन्यू इसको चला लेना है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जब तक उबाल नहीं आ जाएगा तब तक मैं इसको कंटिन्यू चलाऊँगी, जिससे ये फटे ना और आपकी कढ़ी बिल्कुल नहीं फटेगी। बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम होती है कि हमारी कढ़ी हम बनाते तो फट जाती है। बिल्कुल नहीं फटेगी अगर आप इस तरीके से बनाते हो। तो बस यहाँ पे अच्छे से इसको उबाल तक छोड़ देना। अभी आप देख सकते हो इसमें उबाल आ चुका है। अभी मैं इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी लाल मिर्ची पाउडर डालने के बाद में। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर आप बच्चों के लिए भी बना रहे हो तो कम डाल सकते हो। अभी 1/2 स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, ठीक है, और धनिया पाउडर जाएगा 1/2 टेबल स्पून। मतलब आप धनिया तो स्किप भी कर सकते हो, कोई ऑप्शनल है, कोई इसमें नहीं है कि आपको धनिया डालना है। इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक जाएगा। तो यहाँ पे मैं नमक डालूँगी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहे तो हल्दी और भी डाल सकते हो, पर मुझे इतना ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं अब क्या करेंगे, हम बेसन पकौड़े बनाएंगे तो उसके लिए घोल चाहिए। अभी हम इसमें मीठा सोडा लेंगे 1/4 हिस्सा, और 1 कप हमने बेसन लिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, ठीक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने पकौड़ों में भी कढ़ी में भी डाला है, पकौड़ों में भी थोड़ा डालेंगे। इसमें 1/4 लाल मिर्ची पाउडर लाएंगे, इसमें आप स्किप भी कर सकते हो। और इसमें 2 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे, ठीक है। इसको ऑयल डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स करना है स्पून की हेल्प से, या आप हाथ से भी बैटर अच्छा बना सकते हो। बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसमें पानी से इसका बैटर तैयार करेंगे। तो थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे वरना पतला हो जाएगा। हमें बिल्कुल एकदम जैसे पकौड़े बनाते हैं सेम वही प्रोसीजर से आपको बैटर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ मैंने ये बैटर तैयार किया है, और ये कढ़ी में भी अच्छे से उबाल आ चुका है। तब भी हमारी कढ़ी बनके रेडी नहीं हुई है, जब रेडी होती है तब हम इसको अच्छे से, अभी आप देख सकते हो हमारी कढ़ी एकदम परफेक्ट है। तो बस यहाँ पे हमें इसी पे छोड़ देना है इधर। तो अभी चलते हैं हम कढ़ाई की साइड। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, इसमें हम पकौड़े डालेंगे। आप ध्यान देखिएगा मेरे पकौड़े एकदम फूले फूले बनेंगे। तो बस यहाँ पे जितने कढ़ाई में आ जाएंगे मैं उतने पकौड़े डाल दूँगी। इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है, नीचे से अच्छे सेक चुके हैं, अभी हम इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही सारे पकौड़ों को तैयार करूँगी। तो यहाँ धीरे धीरे करके इसको अच्छे से पलट देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया हमारे फूले फूले पकौड़े दिख रहे हैं ना आपको। तो बस ऐसे ही आपको बना लेने हैं। अभी मैं जितने भी इसमें बनेंगे उतने सारे पकौड़ों को बना के रेडी कर लूँगी। अभी देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको पकौड़े बताती हूँ। जो पकौड़े हैं वो एकदम बहुत एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं। तो इसमें आप मुँह में डालोगे तो आपके एकदम से नरम से टूट जाएंगे नहीं। बहुत सी शिकायत आती है कि पकौड़े हमारे टाइट हो चुके थे, तो वो स्टिक से बनाओगे तो बिल्कुल नहीं होंगे। देन इसमें मैंने पकौड़े मिला दिए हैं,
कढ़ाई कढ़ी में बस इनको अच्छे से इसको फूलने के लिए छोड़ देंगे। अभी क्या है, इसमें से अच्छे से फूल चुके हैं, आप देख सकते हो इसमें अच्छे से कढ़ी में मिक्स हो चुके हैं। अभी इसमें गार्निश करेंगे धनिया पत्ती से, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती डालूंगी, इससे अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी में। अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, एक तड़का फैन लेंगे, तड़का लगाना है हमें कढ़ी में। तो आप चाहें तो जो गांव के हिसाब से जीरे जो दिए में लगाते हैं वो लगा सकते हो। यहाँ पे ये अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें हरी मिर्ची डालूंगी। तो एक यहाँ पे हरी मिर्ची ली हुई है, और यहाँ पे कुछ साबुत मसाले हैं, दो लाल मिर्ची हैं, दो लौंग हैं, और एक चम्मच जीरा है, एक कुछ पिंच हींग है। तो इसको तड़के को हम अच्छे से गर्म करने के बाद में कुकर में डालेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें मैं कुकर में डालूंगी, फिर इसको कुकर को कवर करके रखूंगी, जिससे इसका स्मेल है वो बाहर ना निकले, वरना फिर इसका स्मेल भाग जाएगा तो कढ़ी में स्वाद नहीं आएगा। और फिर फाइनली हमारी कढ़ी एकदम रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है ना, ऐसा लग रहा है अभी खाले मुँह में पानी आ गया। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।